सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा के दावे करे, लेकिन संबंधित विभाग की लाचार कार्यप्रणाली से ये सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। खुले में शौच मुक्त के हजारों दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सोलन जिला के शमरोड पंचायत के ढाको स्कूल में आज भी करीब 40 छात्र खुले में शौच करने को मजबूर हैं। हालांकि कई बार एसएमसी स्कूल प्रबंधन सहित ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों तक अपनी मांग रखी है, लेकिन रामराज्य के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में लीन हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले में शौच मुक्त अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस बारे जब प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक श्रवण कुमार चौधरी से इस समस्या बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में अभी यह मामला आया है, वे इस पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वे जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा ताकि नौनिहालों को खुले में शौच ना जाना पड़े। अरे जो ढाको में जो स्कूल है वहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है 2 साल से कि वहाँ टॉयलेट की इतनी ज़्यादा समस्या है। अभी देखो हमारे भारत सरकार ने बेटी बचाओ अभियान चलाया हुआ, उसमें देखो हमारी छोटी छोटी लड़कियों को 5th तक की लड़कियों को बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जिस भी डिपार्टमेंट में हम गए वहाँ पे 2 साल से हमने एप्लीकेशन दी और पंचायत को बोला, हमारा अभी तक एक स्कूल में छोटा सा टॉयलेट नहीं बन पा रहा है। तो ये देखो बहुत गंभीर समस्या है कि बच्चों को बाहर ओपन जाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे तो ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं सारे अपने बच्चे निकाल देंगे और ये स्कूल ही बंद हो जाए। टॉयलेट की बहुत समस्या है, सरकारी स्कूल है, उसमें 2 साल से लड़कियां बेचारी और टीचरें सारी बाहर खुले में शौच जा रही हैं। वैसे तो सरकार बहुत बहुत बड़े दावे करती है स्वच्छता अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, पर ये हमारे साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, खुले में शौच जाना पड़ता है। आजकल धूप पड़ रही है, अगर रास्ते में आपको बताया धूप में हर कीड़े कंडे उसकी प्रॉब्लम होती है, बीमारियाँ फैलती हैं, इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। और आपको बताया कि आजकल लड़कियाँ खुले में शौच जाने के लिए क्या क्या समस्या होती है, क्या कोई दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है सरकार? अगर कोई दुर्घटना होगी तभी सरकार कोई कदम उठाएगी। हमारी ये जो शमरोड पंचायत है ये निर्मल ग्राम पंचायत घोषित है और इसके साथ ही जो ढाको स्कूल के 38 बच्चों को विशेषकर लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनको खुले में शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बार बार हमने शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, ज्वाइंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट तक भी हमने बात की है, लेकिन इन 2 सालों में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। पूरे भारत में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला है और अभियान चलने के साथ साथ बहुत बड़ी दावेदारी भी जताई जा रही है कि हमने पुरानी पंचायतें हमने घोषित कर दी है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ मैं ढाको प्राइमरी स्कूल की ओर दिलाना चाहता हूं शिक्षा विभाग का कि ये लापरवाही छोड़ करके आप कृपया इस ओर ध्यान दें और इन बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा प्रदान करें। यहाँ कक्षाएं हैं 5 और कमरे हैं 2, खेल का मैदान बिल्कुल नहीं है, बच्चे वहां से भी गिरने के कगार पे हैं। स्कूल की जैसे कि आप बात कर रहे हैं ये अभी मेरे ध्यान में आया है, इसके हटते ही हमने ये संज्ञान लिया है और जैसे हमने पता किया कि इसमें कुछ सैंक्शन के लिए जो अप्रूवल के लिए डायरेक्टर साहब को हमने भेजा है, तो जैसे ही वहां से इसकी सैंक्शन आ जाएगी तो उस टॉयलेट की जो है रिपेयर और एडिशनल जो टॉयलेट बनाने हैं उसका भी हम पूरा कोशिश करेंगे, इसका जल्दी से जल्दी हल हो। जो अभी हमारे ध्यान में आया तो हम तो पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्कूल में टॉयलेट वगैरह, तो एक ही स्कूल है जो हमारे ध्यान में, तो इसके हम इसके अलावा भी जो है और कहीं से फंड उपलब्ध कराने का स्कूल में विजिट करके इसका जल्दी हल निकालेंगे। हम यहाँ खुले में शौच करते हैं, हमारा टॉयलेट 2 साल से बंद है, सारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे यहाँ जल्द से जल्द टॉयलेट बन जाए हम यही चाहते हैं। यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत आ रही है, सरकार से हम यह बोल रहे हैं कि हमारा टॉयलेट जल्दी बना दे, फिर पिछले साल से बहुत बीमार हो रहे हैं, इस कारण स्कूल में कई बच्चे नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे टॉयलेट बनना जल्द से जल्द टॉयलेट बनना चाहिए, पिछले 2 सालों से यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। हाँ, हमें बाहर जाने का डर लगता है, बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। एन स्टार न्यूज के लिए सोलन से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।